नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सबके सब बढ़िया होंगे और हम लोग भी एकदम बढ़िया है। तो मैं हूँ रुचि ठाकुर। आज है डेट 24 अगस्त, तो अभी बज चुके हैं 11। अभी मैं सारा काम करके हो गई हूँ फ्री। साथ में रखे हैं मैंने अपने पास सेब और रस्सी, क्योंकि आज हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी और महिला मंडल की भी, वे जा रही है श्रमदान देने। कहाँ पे श्रमदान देंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे गांव में हो रहा है दशमी बारदा भंडार के पास चक्का तलाई का काम, जो कि जायका के तहत हो रहा है। जायका के तहत हमारे गांव में बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, तो उनमें से एक चक्का तलाई वाला कार्य भी है। उसमें महिलाओं ने खुद कहा था कि हमने भी एक दिन का श्रमदान देना है। पहले गीशी को बाय करके आते हैं, फिर चलते हैं गांव की तरफ को। बाय देख और देख बाय करो, उधर देख उधर बाय देख, बाय कर, बाय। आप बैठना दादू जी के पास, ठीक है? हम आए बाय, काम करके। उधर इसको देख धीरे डॉगी उधर की देख, आवाज सुनाई। बाय। तो गाइस, इस घर से हम लोग निकल चुके हैं। मैं आली मासी और आली मासी की सास और चित्रमणि जी की सास भी आगे निकले हैं। वैसे जो आज हम श्रमदान देने जा रहे हैं, उसमें हम क्या काम करेंगे? उसमें ढोएंगे हम चक्के स्लेट। एक दो, ये दो हमें यहाँ पे मिले। ये है जायका के तहत जो बना है सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें जुड़े हुए। ये तो है महिला मंडल में भी हमारी तरह। गुड मॉर्निंग जी। अब दिखाते हैं आपको ज़रा प्रधान नियालचंद जी का घर। ये है प्रधान नियालचंद जी का घर। तो फिलहाल हम इतनी औरतें पहुंची है, यहाँ पे रखे हैं स्लेट, तो इनको ढोएंगे हम लोग। कुछ एक ज़्यादा भारी है, कुछ एक का वजन शायद 10 से 12 किलो के बीच में है, प्रधान जी ने यही बताया था। ओ भाई, इन्होंने तो बोला ढोना भी शुरू कर दिया था, चार औरतों ने। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये आ गई बुजुर्ग मासी। काहे की बुजुर्ग मासी होनी थी, सबसे यंग है, काम करने में सबसे तेज। बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए घर गांव की औरतें। हाँ हाँ, बोला है महिला मंडल और कुछ एक स्वयं सहायता समूह की भी है, नारी शक्ति जो जायका में जुड़ी हुई है। तो गाइस, ये रहा माता रानी दशमी बारदा का भंडार। जय हो माता रानी। यहाँ पे हो रहा है काम। हेलो जी। हेलो गुन्नू मुन्नू, ये है हमारे गुन्नू मुन्नू की दोस्त। कोई इतना काम हुआ है यहाँ पे? वर्षा मैम ने देखा था यहाँ पे भी, ओ मैम ने भी आई थिंक चेक किया है यहाँ पे कि पहले कैसा था अब कैसा हो गया। हो गई हल्की हो जाओ उतार के। तो ये रहे हमारे महिला मंडल के प्रधान जी। यस, कोषाध्यक्ष सेक्रेटरी है, जो मासी छेड़ रही थी मैं जिनको। हाँ जी, क्या बोल रहे आप? अभी सारे रेस्ट कर रहे हैं डोने के बाद, पानी पुनी पी रहे हैं। तो अभी तक प्रधान जी के दर्शन भी नहीं हुए, वे भी कहीं बिजी है, पत्थर पुत्थर निकाल रहे हैं। बोला कहीं दिखा देती हूँ मैं आपको कितनी औरतें आई। एक वे हूँ, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, दसवें, ग्यारहवें,
बारहवे 13 14 मॉर्निंग जी मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून 12 बज गए बोला नहीं बजे दिखाओ यहाँ यहाँ इसमें दिखाओ कहाँ नहीं दिख रहा अच्छा एक मिनट रहा ओ भाई एक और आगे ये सबसे मस्त नाचने में भी ढोलकी बजाने में भी नाम है तेरा है सारे लोग अरे जैसे प्रधान जी निराश नहीं करते इनको बोला हमने की वीडियो बना लो 14-15 औरतें हम लोग लगातार लगी हुई है रेस्ट भी नहीं कर रही है मासी जी का स्लेट तो नीचे जा रहा है कहाँ प्रधान जी हमारे बहुत बुजुर्ग है फिर भी काम करने से मान नहीं रहे हमने बोला था इनको कि आप रेस्ट ही कर लो लेकिन इन्होंने कहा नहीं मैं काम करूंगी इनकी शक्ल देख के पता चल रहा है कि कितने हंसते हंसते खुशी से काम कर रहे हैं है ना इनकी शक्ल देखो कैसी है देखने को। नहीं वैसा नहीं शक्ल सबकी होती है अच्छी है भगवान ने सबको अलग अलग सूरत दी होती है सभी औरतें पहुंच चुकी हैं यहाँ पे अब थोड़ी देर हम लोग फिर से रेस्ट करेंगे 1 बज गए हैं सिर्फ 2 मिनट रहे 1 बजने को ये आगे जी देसी खीरा साथ में लाया है नमक भी नमक के साथ देसी खीरा बहुत ही अच्छा लगता है खाने में ए परे वाली ये शर्मा रही थी ये तो जल्दी से बोला इसने हेलो ये क्या आ गया नाशपति छोटे बच्चे की तरह इनको बांध के दे रहे रस्सी बांधनी भी नहीं आती इनको अभी हमने आधे स्लेट धोए आधे अभी ऊपर रोड में ही है ऊपर से कड़ी धूप है आज मौसम खराब बताया था प्रिस्क्रिप्शन भी ठीक ही थी आज की तो सब कुछ फेल हो गया मौसम बिल्कुल साफ है क्या हो गया फेल मार काम से आपका काम हो गया ना पास मतलब जो बारिश थी वो हो गया फेल अच्छी बात हुई वो तो ज्यादा गर्मी लगी भाई हाँ सूरज के सामने बादल आ जाते तो हमारे लिए अच्छा रहता फिर भी हम लोग हार नहीं मानेंगे काम करेंगे मासी जी गर्मी हो चाहे कुछ भी हो काम नहीं करने पड़ेंगे काम किया वन काम करेंगे काम करते रहेंगे काम करते रहेंगे ये चली मेरी लास्ट लेबर पूरे 2 बज गए हैं अभी ले रहे हैं ठंडा ठंडा अच्छे से रेस्ट करेंगे बोला नमस्कार मैं बीएमसी कमेटी का प्रधान हूँ
हमने जाके किते तो यहाँ पर चक्कर तलाई के काम माता दे शिमबादा मंदिर में चलाया हुआ है। यहाँ की महिला मंडलकार, नारी शक्तिकार और हमारे गांव के अन्य महिलाओं का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक दिन का श्रम दान दे के माता व जायका कामों का सहयोग किया। इसके लिए मैं अपनी तरफ से जायका कमेटी की तरफ से देव कमेटी गार की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद। सारी औरतें चली गई आगे आगे, मैं रह गई हूँ पीछे। पोजे के साथ में वीडियो बना रही थी प्रधान जी की, जो हमारे जायका के प्रधान हैं, हमारी पंचायत के प्रधान और हैं, जिनको कि आप सभी जानते हैं। तो प्रधान जी ने चाय ठंडा अपनी तरफ से रखा है और हलवा कुछ नमकीन वगैरह भी इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, ऐसा मैंने सुना था इनको बोलते हुए। आज कर 19 मिनट हुए और सभी आई यहाँ पे हलवा मैगी वगैरह बनाई है। हाँ जी मिल गया। हाँ जी ये है इस घर के मालकिन, मेश भाई की मम्मी, न्याचंद जी की मम्मी। मेरा फोन घूम गया था इसलिए मैं वापस गई थी। चार जिलों में बिजली संकट है। फट ली थी जरा गुड़िया के एक दो। दिखा देते आपको पूरा घर इनका, रोड से भी दिखाया था मैंने आपको, यहाँ से भी दिखा लिया। हम कुछ इन्हीं के खेत से अरबी के पत्ते निकालेंगे, मासी जी ने उसकी सब्जी बनानी है बोला डिनर में, तो वो निकालेंगे फिर चलेंगे सीधा घर की ओर। ये ऊपर रोड गाड़ी लगी हुई है रोड में, तो यहाँ पे निकल रहे हैं अरबी के पत्ते। सब्जी बनती है इसकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 4 और हम लोगों ने खाना पीना कर दिया, इन बच्चों ने भी कर लिया। हम लोग निकलेंगे घर की ओर, करते हैं वीडियो का एंड भी। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।